भाई न्यू हीरो इक्विपमेंट्स हमारे गेम के अंदर आने के बाद से भाई पूरी गेम ही चेंज हो गई है। अलग अलग हीरोज की एबिलिटीज हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन हर हीरो के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से इक्विपमेंट्स का है आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग चाह रहे हो सुमित भाई ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जो हर आर्मी पे चले, भाई साहब देखो वैसे तो ये डिफॉल्ट यूज कर सकते हो लेकिन कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि जो न्यू हीरो एबिलिटीज है वो कुछ अलग लेवल की, अलग लेवल का फायदा मिलेगा आपको अगर आप लोग यूज करोगे तो हर आर्मी के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा हीरो इक्विपमेंट। सबसे पहले बार्बेरियन किंग के हीरो इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है हर आर्मी के लिए। अब देखो यार चार पांच आर्मीज ही हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, एयर स्पैम हो गया, क्वीन चार्ज हो गया, स्मैश हो गया, सुई हीरो वाला कुछ भी ले लो, सुई हीरो लालो वगैरह, मतलब सुई हीरो वाला अटैक हो गया, या फिर सुपर आर्चर ब्लिंप हो गया। ऑलमोस्ट सारी आर्मीज इन पांच स्ट्रेटजी के अंदर कवर हो जाती है। सबसे पहला हीरो इक्विपमेंट जो किंग के लिए बेस्ट है और ये ऑलमोस्ट हर आर्मी के अंदर काम करेगा वो है आपका जायंट गॉन्टलेट। ये रहा भाई जायंट गॉन्टलेट। जायंट गॉन्टलेट एक एपिक हीरो इक्विपमेंट है, मतलब इसको लेवल 27 पे आप लोग मैक्स कर पाओगे, ब्लैकस्मिथ के अंदर नहीं मिलेगा, इवेंट वगैरह के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि कुकी रंबल में आप लोगों को मिल रहा है वहां से ले सकते हो, बाद में भी आप लोगों को मिलेगा कुकी रंबल जाने के बाद, ट्रेडर में शॉप में या फिर कहीं ना कहीं आ जाएगा, वहां से आप लोग ले पाओगे। जायंट गॉन्टलेट सबसे पावरफुल हीरो इक्विपमेंट है बार्बेरियन किंग का। ये बेसिकली देखो मैक्स लेवल की बात करेंगे, ये इपिक हीरो इक्विपमेंट है तो आप लोग लेवल 27 इसको कर पाओगे, जो नॉर्मल इक्विपमेंट है उनको लेवल 18 पे मैक्स कर पाओगे। जब आप लोग इसको इस्तेमाल करोगे एबिलिटी एक्टिव एबिलिटी दबाने के बाद एबिलिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी, इसका एबिलिटी ड्यूरेशन रहेगा 17 सेकंड का, हर लेवल के हिसाब से अलग अलग सेकंड तक इसका एबिलिटी ड्यूरेशन रहेगा। सबसे अच्छी बात इसका जो डैमेज टाइप है ना वो स्प्लैश डैमेज टाइप का है, मतलब 2.5 टाइल्स के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स रहेगी सबको डैमेज बैठेगा, और एबिलिटी के अंदर जितना भी डैमेज इसके ऊपर होगा बार्बेरियन किंग के ऊपर 60% कम डैमेज होगा, मतलब 100 का डैमेज आर्चर टावर थ्रो कर रहा है बार्बेरियन किंग के ऊपर, बार्बेरियन किंग को सिर्फ 40 का ही डैमेज लगेगा। अब देखो ये तो पहली एबिलिटी हो गई जिसको आप लोग एयर स्पैम के अंदर यूज कर सकते हो, सुपर आर्चर ब्लिम के अंदर यूज कर सकते हो, क्वीन चार्ज के अंदर, हीरो सुई के अंदर, और इवन स्मैश अटैक के अंदर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब बारी आती है भाई इसके साथ कौन सा हीरो इक्विपमेंट यूज करना है। अगर आप लोग एयर स्पैम कर रहे हो जिसके अंदर आपके हीरो किंग और क्वीन साइड से चलते हैं, मतलब कोर में सारे आपके ड्रैगन या फिर जो भी आपका एयर स्पैम है वो, और साइड से जो हम लोग हीरोज चलाते हैं, उसके लिए भाई सबसे बेस्ट है वैम्पस्टैट, जो कि भाई बार्बेरियन किंग को लगातार हील करते रहेगा जैसे जैसे बार्बेरियन किंग हिट मारेगा। तो बेसिकली वैम्पस्टैट एक पैसिव एबिलिटी है, मतलब एबिलिटी दबाने के बाद इसकी एबिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होती, बार्बेरियन किंग ड्रॉप करने के बाद से वो एबिलिटी चालू हो गई इसकी, जैसे जैसे हिट मारेगा वैसे वैसे खुद अपनी हेल्थ रीगेन करता जाएगा। और उसी के साथ सुपर आर्चर ब्लिंप और स्मैश अटैक के अंदर भी आप लोग सेम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। सुपर आर्चर ब्लिंप के अंदर क्या होता है, एक बार सुपर आर्चर ब्लिंप के साथ हम लोगों ने वैल्यू ले ली, उसके बाद जो भी बेस का पूरा डैमेज है ना, मतलब बार्बेरियन किंग आगे रहता है बेसिकली सारा का सारा टैंक करने का काम आपके क्वीन को वार्डन को पूरा आपका बार्बेरियन किंग करता है। पावरफुल एबिलिटी तो उसके पास पहले से है ही जो कि जायंट गॉन्टलेट है, और सेकंड एबिलिटी रहेगी उसके पास वैम स्ट्रैच की, जो कि भाई खुद को हील करने का भी काम करेगा। और वैम स्ट्रैच की सबसे अच्छी बात ये बार्बेरियन किंग का जो अटैक स्पीड है वो इंक्रीज कर देगा। और जब आप लोग हीरो सुई कर रहे हो बार्बेरियन किंग को किसी एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट के अंदर या फिर इवन क्वीन चार्ज के अंदर भी, उस टाइम पे भाई साहब आप लोगों को वैम्पस्टैक यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपका मेन प्रायोरिटी रहेगा वो कंपार्टमेंट डाउन हो जाए, उस कंपार्टमेंट के अंदर जो भी की डिफेंस है वो डाउन हो जाए, भले ही आपका किंग मर जाए लेकिन वो कंपार्टमेंट की वैल्यू आपको अच्छे से मिल जाए। तो उस टाइम पे वैम्पस्टैक यूज करके कोई फायदा नहीं है, उस टाइम पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा रेज वायल, जो कि अपने बार्बेरियन किंग की एक डिफॉल्ट एबिलिटी थी अपडेट आने से पहले। एक तो आपका जायंट गॉन्टलेट आपके बार्बेरियन किंग के ऊपर जो भी डैमेज होगा वो 60% रिड्यूस कर देगा, प्लस जैसे ही आप लोग रेज वायल इस्तेमाल करोगे डैमेज 155% से इंक्रीज हो जाएगा आपके बार्बेरियन किंग का, 155% मतलब डबल से भी ज्यादा डैमेज करेगा, प्लस इंस्टेंट हेल्थ रिकवरी 1800 प्लस की आप लोगों को मिलेगी, मतलब हेल्थ भी बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी। वहीं पे वैम स्ट्राइक के अंदर इंस्टेंट हेल्थ रिकवरी नहीं मिलती, जैसे जैसे हिट मारेगा बेचारा वैसे वैसे धीरे धीरे हेल्थ रीगेन करेगा। तो जब आप लोग हीरो सुई करोगे उस टाइम पे सबसे बेस्ट है रेज वायल का इस्तेमाल करना। ये देखो भाई अभी हम लोग ये कंपार्टमेंट फोड़ेंगे, हम लोगों ने किंग के ऊपर देखो जायंट गॉन्टलेट और रेज वायल इस्तेमाल करा है, तो स्टार्टिंग में ना अपन क्या करेंगे थोड़ा फनल बनाएंगे जिससे कि बार्बेरियन किंग अंदर जा सके। चलो फनल बन जा, बन गया, ये लो बन गया, किंग को उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई एनिमी का किंग है यहाँ पे, एनिमी के किंग के ऊपर सिंपली दो हेड हंटर्स आ जाएंगे। सी यहाँ पे अभी रेज वायल को छोड़ के दूसरी कोई भी एबिलिटी होती तो वो उतना वर्थ इट साबित नहीं होती। यहाँ पे देखो जैसे ही हम लोगों ने एबिलिटी इस्तेमाल करी, सी यहाँ पे जायंट बॉम्ब्स भी है, बहुत सारे स्केलेटन्स भी थे, देख लो भाई डैमेज कैसे करता है भाई, देखो तुम लोग बस क्या कर रहा है भाई ये।
जायंट बम का कोई असर नहीं, स्केलेटन जितने भी निकले कोई असर नहीं, क्योंकि भाई आपके पास जायंट गॉन्टलेट है 2.5 टाइल के अंदर, जो भी है खत्म कर देगा किंग उनको। इतना हेवी कंपार्टमेंट आप लोग सिर्फ यही दो हीरो इक्विपमेंट्स के साथ निकाल पाओगे, उसको छोड़ के आप लोग दूसरा कुछ भी यूज करोगे ना, ये कंपार्टमेंट आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, बहुत दिक्कतें होंगी आपको। अब हीरो सुई के अंदर भी भाई दो टाइप की हीरो सुई होते हैं, एक तो आप लोग बारबेरियन किंग को अकेले कंपार्टमेंट में ले जाते हो सिर्फ कंपार्टमेंट डाउन करने के लिए, दूसरा टाइप का हीरो सुई हो गया आपके दोनों हीरोज के साथ, किंग और क्वीन के साथ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, ब्लिजर्ड कर देंगे टाउन हॉल को या सुपर मिनियन कर देंगे, उसके बाद किंग और क्वीन चलाते हैं राइट, उसके अंदर हम लोग अर्थक्वेक बूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कॉम्प्लिकेटेड वॉल्स के कंपार्टमेंट्स वहां पे है तो। और उसके बाद देखो यहाँ पे इसको ब्लिजर्ड कर दिया या सुपर मिनियन ब्लिम कर दिया, ये मिल गया, उसके बाद ये कंपार्टमेंट या फिर ये कंपार्टमेंट अगर पूरा दो हीरोज के साथ मिल जाए किंग और क्वीन के साथ, तो एक सिंपल सा रेक्टेंगल बच जाता है जो कि हम लोग लावा लूट के साथ या फिर स्पैम के साथ निकाल सकते हैं। टाउन हॉल समझो किसी ने निकाल लिया ब्लिजर्ड के साथ या फिर सुपर मिनियन ब्लिम के साथ, फॉर एग्जांपल हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे डाल देंगे इसको, ओके हम लोग ना सुपर मिनियन के साथ इसको निकालने की ट्राई करेंगे, ये लो भाई ये डाल देंगे ऐसे, ये ऐसे, तो इधर से देखो अपने को टाउन हॉल वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद देखो ये बड़ा हेवी कंपार्टमेंट बच जाता है जिसको हम लोग सिंपली हमारे हीरोज के साथ टेक डाउन करेंगे अर्थक्वेक बोट्स की मदद से, क्योंकि ये जो अकेला इन्फिर्नो टावर है वो आपके लावल उनको भी दिक्कत दे सकता है। मैंने सारे स्पेल्स और ट्रुप्स नहीं लिए, बस अपने को ये कंपार्टमेंट डाउन करना है, दैट्स इट। ये लो भाई देख लो भाई कैसा पूरा कंपार्टमेंट खोल के रख दिया भाई क्वीन के लिए, और क्वीन के ऊपर देखो अभी देखेंगे हम लोग क्वीन के ऊपर कौन से अपने को इक्विपमेंट्स यूज करने करके। अभी देखो इतना सा बेस बच जाएगा, अभी मैंने पूरी आर्मी भी नहीं ली है, इसके अंदर आप लोग स्पैम ले लो, लालो ले लो, वार्डन के ऊपर फिर अलग इक्विपमेंट्स आएंगे, वो सब बाद में बात करेंगे। लेकिन देखो ये पूरा कंपार्टमेंट अपने को इधर से मिल चुका है, प्लस आपकी क्वीन भी जिंदा है, क्योंकि सारा जो डैमेज है आपका बारबेरियन किंग सोक करेगा, पीछे से क्वीन के लिए सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे क्योंकि अर्थक्वेक बूट्स इस्तेमाल किया हम लोगों ने, तो सारे कंपार्टमेंट का एक्सेस क्वीन को वहां से मिल जाएगा। सी देखो भाई हीरो सुई में देखो भाई पता नहीं और कितना क्या क्या मिलेगा, इतना सा बेस बचा हम लोगों ने, कुछ लिया भी नहीं, ना वार्डन डाला है ना आरसी डाली है, इजी पीजी निकाल सकते हैं। तो भाई इस बात से आप लोगों को पता चल गया, एक बड़ा कंपार्टमेंट में सिर्फ अकेला किंग सुई करना है तो रेज वायल इस्तेमाल कर सकते हो, फिर ऐसे क्वीन के साथ आप लोगों को सुई करना है तो अर्थक्वेक बूट्स इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद गाइस बारी आती है आर्चर क्वीन की, आर्चर क्वीन के ऊपर क्या इस्तेमाल किया जाए। देखो भाई जैसे किंग के ऊपर हम लोगों ने हर आर्मी के अंदर एक इपिक हीरो इक्विपमेंट जायंट गॉन्टलेट को रखा था, वैसे ही क्वीन के ऊपर हम लोगों को हर आर्मी के अंदर एक इक्विपमेंट रखना ही रखना है। कौन सा वाला पता है? वो है हमारा इनविजिबिलिटी वायल, जो कि हर अटैक के अंदर आपका रहेगा। ये क्या करेगा, जब आप लोग एबिलिटी दबाओगे आपकी क्वीन इनविजिबल हो जाएगी, जब आप लोग क्वीन चार्ज कर रहे हो उसमें भी आपका फायदा होगा, जब सिंगल इन्फिर्नो ने आपको पकड़ा है तब भी आपको फायदा होगा, जब सीसी आपके क्वीन के ऊपर लॉक हो गई तब भी आपको फायदा होगा, जब मॉनलिथ ने पकड़ा है आपकी क्वीन को तब भी फायदा होगा, जब एनिमी क्वीन लॉक हो गई है तब भी फायदा होगा, मतलब हर जगह पे फायदा है इनविजिबिलिटी वायल का। इनविजिबिलिटी वायल के साथ आप लोग दूसरी चीज जो इस्तेमाल कर सकते हो वो है सबसे इंपॉर्टेंट हिलर पपेट। ये देखो इनविजिबिलिटी स्पेल तो आपकी क्वीन को ये जो मैक्स लेवल का 7.8 सेकंड्स तक इनविजिबल करके रखेगा। सबसे अच्छी बात इस एबिलिटी की, क्वीन एक्स्ट्रा डैमेज करेगी 1740 का, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज करेगी। तो इनविजिबिलिटी स्पेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर अटैक के अंदर, इनविजिबल भी हो जाएगी प्लस उसका डैमेज भी बढ़ जाएगा। और जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेटजीज है जैसे कि सुपर आर्चर ब्लिंप हो गई, स्मैश अटैक हो गया, एयर स्पैम अटैक हो गया, हीरो सुई वाले कुछ अटैक्स हो गए, इन सब के अंदर आप लोग यहाँ पे हिलर पपेट इस्तेमाल कर सकते हो। हिलर पपेट किसके साथ? इनविजिबिलिटी वायल के साथ। हिलर पपेट क्या करेगा, तो भाई तीन हिलर्स निकाल देगा जो मैक्स लेवल का है बेसिकली, तो वो तीन हिलर्स क्वीन को हील करने का भी काम करेंगे। और इनविजिबिलिटी वायल का तो 1740 का डैमेज है ही, तो जितने भी खतरनाक डिफेंसेस वहां पे रहेंगे या फिर बिल्डिंग्स रहेंगे उनको तो क्वीन स्टार्टिंग में डाउन करेगी, उसके बाद क्वीन लगातार हील होती रहेगी क्योंकि हिलर्स है, प्लस पर सेकंड 35 हील होगी क्वीन। लेकिन जब आप लोग प्रॉपर क्वीन चार्ज कर रहे हो, पांच हिलर वाला क्वीन चार्ज, उसके अंदर भाई ये इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं है हिलर पपेट इस्तेमाल करके। जब आप लोग दो हिलर वाला क्वीन चार्ज, तीन हिलर वाला क्वीन चार्ज कर रहे हो उस टाइम पे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। वहीं पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो क्वीन चार्ज के अंदर आर्चर पपेट को, जो कि आपकी क्वीन को 440 का हेल्थ रिकवरी देगा, 144 का डैमेज पर सेकेंड इंक्रीज कर देगा, और उसी के साथ जो 35 आर्चर्स आ जाते हैं वो तो खैर मरी जाती है। अगर जायंट एरो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो जायंट एरो के ऊपर इनविजिबिलिटी वायल इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं है, लिटरली कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जहां पे भी आप लोग डालोगे वहां पे क्वीन इनविजिबल होके क्या करेगी, उसी की जगह पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो हिलर पपेट। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है
आपके क्वीन के लिए, जब आप लोग अर्ली जायंट एरो यूज करना चाहते हो। जायंट एरो के साथ कुछ चाहिए भी तो, लेकिन यार ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अर्थक्वेक और लाइटनिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि कुछ एटलीस्ट मिले, वरना तो सबकी हेल्थ कम हो जाएगी। सिर्फ 1950 का प्रोजेक्टाइल डैमेज है, तो कोई ढंग की बिल्डिंग मिलेगी नहीं। उससे अच्छा अर्थक्वेक और लाइटनिंग लगा के उस बिल्डिंग को पूरा ही फोड़ा जाए। तो यहाँ पे देखो, देखा जाए तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को मिल सकती है। तो सिंपल एक काम करेंगे, यहाँ पे ये डाल के 3 अर्थक्वेक ऐसे लगाएंगे, ये डाल के एबिलिटी दे देंगे। ये लो भाई साहब, आया मज़ा। चौथा हिलर भी हम लोगों ने डाल दिया यहाँ से। उसके बाद वेट करेंगे, ये एनिमी को आरसी को मारे क्या या उठा ले, कुछ भी कर सकते हैं। चलो उठा लेते हैं क्वीन को, ठीक है। क्वीन का काम हो गया, क्वीन को समझो यहाँ पे डाल दिया। ये देखो, ये हमारी क्वीन का क्वीन चार्ज चालू हो गया, अपने को वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मिल गई। उसी के साथ सिंपली हम लोग किंग को उतारेंगे यहाँ से। देखो भाई, इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं वहाँ पर इस्तेमाल करता इनविजिबिलिटी वायल या फिर जो अपना दूसरा है, क्या नाम है उसका, आर्चर पपेट, कुछ ढंग का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे एबिलिटी दूंगा किंग की, ये देखो भाई, एक हिट, दूसरे हिट में मोनोलिथ भी मिल गया। देख रहे हो, एक कंपार्टमेंट के अंदर, मैंने आप लोगों को बोला है, एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर आपको किंग की सुई करनी है तो भाई रेज वायल और जायंट गॉन्टलेट सबसे बेस्ट है। देखो भाई, क्या तो वैल्यू निकाल के दी है भाई, मज़ा आ गया। यहाँ पे बार्बेरियन डालेंगे, एक और बार्बेरियन डालेंगे, ओके, वो क्लीन अप करता रहेगा बार्बेरियन। क्वीन देखो अपना काम कर रही है, एक बॉलर है अपने पास, ये बॉलर यहाँ पे डाल देते हैं। अभी भी देखो हमारे पास क्या आर्मी बची है, क्वीन चार्ज हमारा चालू हो गया भाई, यहाँ पे मजा आ गया। अभी यहाँ पे लगाएंगे एक रेड स्पेल, पॉइजन और फ्रीज आ जाएगा। एक काम करते हैं, वॉल ब्रेक डाल देते हैं यहाँ पे, और एक इनवी लगा देते हैं। अरे भाई, बच गई क्वीन हमारी। यहाँ पे दो बलून लगा देते हैं, एक और रेज है अपने पास, एक और रेज आएगा क्वीन के ऊपर, और क्वीन यहाँ से देखो आराम से टाउन हॉल निकाल लेगी। अभी बेस के अंदर जो भी बचा है ना, सिंपली हम लोग एक काम करेंगे, स्पैम मारेंगे ऐसा। बुड्ढे के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे रेज जेम इस्तेमाल कराए, क्योंकि सारे के सारे जो स्पेल्स है हम लोगों हमारे क्वीन के ऊपर लगाने थे, और एक छोटा सा पोर्शन टेक डाउन करना था एयर स्पैम के साथ, और एयर स्पैम को बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करा है रेज जेम इंस्टेड ऑफ हीलिंग टोम। देख रहे हो भाई, देखो भाई कितनी पावरफुल आर्मी है ये। मतलब अलग अलग टाइप के हम लोग यहाँ पे हीरो इक्विपमेंट्स को यूज करके अलग अलग एबिलिटीज बना सकते हैं। ये देखो भाई, हम लोगों ने क्वीन चार्ज किया, वो भी एक हिलर के साथ, लेकिन 3 हिलर अपने को एक्स्ट्रा मिली। ये तो हायर टाउन हॉल का जायंट एरो देख लिया, लोअर टाउन हॉल्स पे भाई साहब जायंट एरो क्या काम करता है। टाउन हॉल 9, 10, 11 और 12 इनके लिए तो बेस्ट है भाई जायंट एरो। जो टाउन हॉल 9, 10, 11, 12 है ना भाई साहब, इनके लिए सबसे बेस्ट है ये चीज। देखो यहाँ पे, ये टाउन हॉल 9 का बेस है, 4 टोटल यहाँ पे एयर डिफेंसेस है। ड्रैगन आर्मी सबसे सिंपल, ये देखो, सबसे पहले तो अपन ये दो को डाउन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये डाउन करेंगे, ये हो गया डाउन। उसके बाद दो एयर डिफेंसेस बचेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्वीन को और दबाएंगे एबिलिटी। भाई साहब मजा आया। यहाँ पे हम लोगों ने क्वीन के ऊपर आर्चर पपेट इसलिए इस्तेमाल करा है क्योंकि टाउन हॉल 9 और 10 के ऊपर हिलर पपेट अनलॉक नहीं होता। किंग अपना डैमेज लेता रहेगा, यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर डाल दूंगा। देखो भाई, बेस के अंदर क्या बचा है बताओ मेरे को, क्या कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं भाई, ये 10 ड्रैगन से सीसी के अंदर भी देखो ड्रैगन वगैरह ले रखा है, रेड स्पेल है हत्ता में भाई ये बेस, मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई। टाउन हॉल 10 पे भी भाई फायदा उठा सकता हूँ। अब देखो, जायंट एरो की मदद से देखो इस बेस के ऊपर बहुत तगड़ी वैल्यू मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? तो भाई ये देखो, दो मल्टी देख रहे, दोनों के दोनों अगर मल्टी डाउन हो जाते हैं तो भाई लालो कितना आसान हो जाएगा इस बेस के ऊपर। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, अर्थक्वेक डालेंगे और एक जैप, यहाँ पे भी एक अर्थक्वेक और एक जैप। उसके बाद सिंपली एक गोलम डाल के क्वीन को उतारेंगे, ठीक है। जैसे ही क्वीन अपनी जाएगी विजिट टावर के ऊपर, सिंपली अपने को एबिलिटी दबा देनी है। जा 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 जा, ये लो भाई, आया मज़ा, आया मज़ा आया। लो भाई, अपने को दोनों के दोनों मिल चुके हैं मल्टी इन्फिर्नोज, और क्वीन निकाल लेगी यहाँ से। क्वीन के आगे चलाएंगे इसको, किंग को, और किंग के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करा है वो अपना क्या नाम है, अर्थक्वेक बूट्स, जिससे कि भाई हेल्प मिलेगी वॉल फोड़ने में और एक्सेस मिल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ने दो हमारे किंग को। चलो भाई, अभी बेस के अंदर ना ज़्यादा चीज़ें बचती नहीं है, आराम से हम लोग टेक डाउन कर सकते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ने का हम लोग अर्थक्वेक बूट्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। चलो, एक्सेस मिल गया भाई। उसके बाद सिंपली भाई सिंपल लालो कर लो यार, क्या दिक्कत है, ये डाल दो ऐसे,
लावा डाल के बलून बलून। मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास के लिए आर्मी बनाई है, ये देखो ये इतने सारे जो स्पेल्स बचे हैं इनका कोई इस्तेमाल नहीं है भाई, खत्म कर दो यार, क्या क्या करेंगे देख के, सिंपल इतना पावरफुल है जायंट एरो। तो भाई ऑलमोस्ट जो सारे नॉर्मल अटैक्स है, फॉर एग्जांपल एयर स्पैम हो गया हमारा, स्मैश हो गया, हीरो सुई हो गई, सुपर आर्चर ब्लिंप अटैक स्ट्रेटजी हो गई, और भी दूसरी अटैक स्ट्रेटजी हो गई, क्वीन चार्ज छोड़ के, प्रॉपर क्वीन चार्ज छोड़ के दूसरी कोई भी अटैक स्ट्रेटजी है उनके लिए भाई सबसे बेस्ट है इनविजिबिलिटी वायल और हीलर पपेट। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर क्वीन चार्ज कर रहे हो तो उसके अंदर हीलर पपेट लेके कोई फायदा नहीं है, इनविजिबिलिटी वायल ले लो। जायंट एरो तो आप लोग यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि जायंट एरो को आप लोग स्टार्टिंग में ही इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में बेस के कोर में जाके आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आपको एक दो बिल्डिंग शायद मिल भी जाए, लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे आप लोग जायंट एरो का। आर्चर पपेट बेस्ट रहेगा आपके क्वीन चार्ज के लिए, बाकी सबके लिए आपका हीलर पपेट बेस्ट रहेगा। उसके बाद बारी आती है ग्रैंड वार्डन की। अब ग्रैंड वार्डन में भाई साहब इतनी पावरफुल एबिलिटी है ना इसकी, इटर्नल टोम जो कि डिफॉल्ट एबिलिटी हुआ करती थी अपडेट से पहले, ये हीरो इक्विपमेंट भाई साहब हर अटैक के अंदर, चाहे कोई भी अटैक लो, ग्राउंड स्पैम, एयर स्पैम, हीरो स्वीज, कुछ भी, एवरीथिंग, हर एक के अंदर भाई आप लोगों को इटर्नल टॉम लेना ही लेना है। उसके बाद जो सेकेंडरी इक्विपमेंट रहेगा वहां पे आप लोग क्या इस्तेमाल करना है, जब आप लोग स्मैश अटैक कर रहे हो ये देखो, तब आप लोगों को इस्तेमाल करना है रेज जेम, ये रहा रेज जेम, ये जो रेज जेम है इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो स्मैश अटैक्स के अंदर, मतलब बुड्ढे के साथ हम लोग जो वॉक करते हैं हिलर्स डालते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रो टाइटन स्मैश हो गया, या फिर रूट राइडर वाला स्मैश हो गया, या फिर सुपर बॉलर वाला स्मैश हो गया, उसके अंदर हम लोग रेज जेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इटर्नल टॉम हर अटैक के अंदर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड इक्विपमेंट है वहां पे स्मैश के अंदर रेज जेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेज जेम हम लोग तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मोगी भाई अपनी अटैक स्ट्रेटजी यूज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में क्वीन डालते हैं, क्वीन के ऊपर कुछ हिलर, क्वीन को उठाते हैं वापस दूसरी साइड पर डालते हैं, बीच में सारे के सारे सुपर ड्रैगन्स, तो सुपर ड्रैगन्स के ऊपर भी आप लोग ये रेड जेम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेल्स बच रहे तो आप लोग रेड स्पेल इस्तेमाल कर सकते हो सुपर ड्रैगन्स के लिए, और हीलिंग टॉम भी इस्तेमाल कर सकते हो सुपर ड्रैगन्स के ऊपर। और सबसे घटिया जो हीरो इक्विपमेंट है वो है लाइफ जेम, इसको आप लोग ग्राउंड अटैक में तो कभी जिंदगी में यूज करना ही नहीं है, चाहे आप लोग कोई भी ग्राउंड अटैक करो कभी भी इसको यूज ही नहीं करना। इसके बदले आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अप्रेंटिस वार्डन को, जो कि आपके हीरोज को, आपके ट्रूप्स को डायरेक्ट 30% बूस्ट कर देगा। और अगर आप लोग एयर स्पैम कर रहे हो तो एयर स्पैम के अंदर तो भाई इटर्नल टॉम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये रेड जेम की जरूरत नहीं है, आप लोग इस्तेमाल कर लो हीलिंग टॉम, ये जो मैक्स लेवल का हीलिंग टॉम है ना भाई साहब, ये पर सेकेंड में 150 का हील करेगा, मतलब टोटल ये 25 सेकेंड तक रहेगा। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्या है पता है, इटर्नल टॉम के साथ ये हीलिंग टॉम अच्छे से काम नहीं करता। जब मैं क्वीन चार्ज रूट राइडर वाली अटैक स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला यार सुमित ये तुम क्यों यूज कर रहे हो, इसका तो कोई अच्छे से ढंग से यूज ही नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी अगर इटर्नल टॉम चालू है तो हीलिंग टॉम का क्या फायदा, जबकि उस टाइम पे आपके ट्रूप्स के ऊपर कोई डैमेज नहीं हो रहा। नहीं भाई साहब गलत हो आप लोग, दिखाता हूँ अभी, ये देखो ये हमारा रूट राइडर है, अभी देखो वार्डन के ऊपर मैंने इटर्नल टॉम भी लगा रखा है और हीलिंग टॉम भी लगा रखा है, ये देखो रूट राइडर को मैं यहाँ पर डालूंगा। अब देखो अभी जब मैं इटर्नल टॉम और हीलिंग टॉम इस्तेमाल करूंगा, इटर्नल टॉम जब रहेगा मेरे ट्रूप के ऊपर कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जब मैं हीलिंग टॉम भी रहेगा मेरे वार्डन के ऊपर, जो मेरे रूट राइडर की हेल्थ 50% हुई थी वो 50% से 100% हो रही है। देखो देखो भाई साहब 9.5 सेकंड्स जो थे वो 9.5 सेकंड्स के अंदर भी हील हो रहा है, प्लस उसके बाद जो और एक्स्ट्रा सेकंड्स रहेंगे उसमें भी मेरा जो रूट राइडर है वो हील होते रहेगा, मतलब टोटल 25 सेकंड तक हील होते रहेगा। ये एबिलिटी तब काम नहीं आएगी जब आप लोग वार्डन को डाल के एबिलिटी दबा रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो ट्रूप्स की हेल्थ है वो ऑलरेडी फुल रहती है। जब आपकी ट्रूप्स की हेल्थ 50% 60% 70% है तब आप लोग इस्तेमाल करोगे इटर्नल टॉम और हीलिंग टॉम दोनों एक साथ, उस टाइम पे इटर्नल टॉम भी अच्छे से काम करेगा और हीलिंग टॉम भी अपना काम करेगा, जो कि आपके ट्रूप की हेल्थ 70% से 100% कर देगा, 50% से 100% कर देगा, दैट्स इट। तो भाई साहब इटर्नल टॉम के ऊपर हीलिंग टॉम का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है ऑलमोस्ट हर एक आर्मी के लिए, चाहे आप लोग एयर स्पैम इस्तेमाल कर लो, हाइब्रिड इस्तेमाल कर लो, क्वीन चार्ज इस्तेमाल कर लो, लालो इस्तेमाल कर लो, प्रो प्लेयर्स को भी देखोगे तो वो लालो के अंदर भी हीलिंग टॉम इस्तेमाल करते हैं इटर्नल टॉम के ऊपर, क्योंकि जो टोटल हील करेगा ना 25 सेकंड के अंदर वो 3750, 1 सेकंड में 150, 2 सेकंड में 300, 3 सेकंड में 450, 25 सेकंड में 3750, मतलब बहुत ज्यादा हील हो जाता है। ये इक्विपमेंट आप लोग वार्डन के ऊपर यूज कर सकते हो। देखो भाई सारे हीरो इक्विपमेंट्स अलग अलग आर्मी के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉम्बिनेशन हर आर्मी पे यूज कर लिया। और रही बात आरसी की तो हाँ ये कर सकते हो, ये एक ही कॉम्बिनेशन हर आर्मी में यूज कर सकते हो, क्योंकि है ही दो इक्विपमेंट, वो दो ही डिफॉल्ट इक्विपमेंट्स है, जब तीसरा इक्विपमेंट आएगा तब देखा जाएगा। तो ये थी आज की हमारे हीरो इक्विपमेंट्स के ऊपर वीडियो, आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन सी आर्मी के अंदर
कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है। बस चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।